मैम आपका नाम बताइए। आई एम हेमा गणेश, एज 56, फ्रॉम चेन्नई। ओके, क्या हुआ है आपको? आई एम हैविंग अ बैक पेन फॉर सम वन और टू वीक्स, एंड बिफोर दैट आई हैड माई एल्बो प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो सम टाइम बैक, सम 10 और 15 ईयर्स बैक, वन डॉक्टर टोल्ड मी दैट यू विल बी डेवलपिंग सम सर्विकल स्पॉन्डिलोटिस। So today also when I came here, Swamiji told that you are not having just a back pain, it will be somewhere related to cervical spondylosis. So I could relate it with that diagnosis some 10 years or 15 years back. तो श्री परिपूर्ण सनातन आयुर्वेद अस्पताल के बारे में आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला? माई सिस्टर विद्या श्रीराम, शी हैज़ कम हियर, शी नोस बाई हर फ्रेंड। So and her friend has introduced her to this hospital and Swamiji. So I came to know through my sister. तो आपको यहाँ पर रहने कितने दिनों तक रहने के लिए कहा गया है? Today only we have come here. So probably Swamiji has told that you have to be here for at least 5 days. Maybe it can increase in future. It may go to up to 10 or 15 days. तो आप यहाँ पर आए हैं तो पक्का आपको तो आराम मिल ही जाएगा, क्योंकि स्वामी जी के हाथों में इतना सारा जादू है। या वी हैव द फेथ इन गुरु एंड गॉड, एंड आई थिंक स्वामी जी इज हैज अट्रैक्टेड अस हियर, सो वी फील दैट। थैंक यू। थैंक यू मैम। दोस्तों आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं हेमा जी। हेमा जी श्री परिपूर्ण सनातना आयुर्वेद अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए आए थे सीवियर बैक पेन के लिए। तो लास्ट टाइम मैं उनसे मिली थी जब उन्हें सीवियर बैक पेन था और फॉरवर्ड बेंड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज भी जैसे देख रही हूँ एक हफ्ते के बाद वो आराम से सब कुछ कर पा रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? तो आज मैं उन्हीं से पूछती हूँ। हेमा जी कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं लास्ट वीक यहाँ पे आई, बैक पेन मैं बेंड नहीं कर पा रही थी, मगर क्या हुआ यहाँ आके फर्स्ट डे विरेचना ट्रीटमेंट दिया, मर्म चिकित्सा एक दिन के लिए, उसके बाद बॉडी मसाज में। मेरे को ही नहीं मालूम था कि मेरे पास इतना प्रॉब्लम था, फ्रोजन शोल्डर एंड माई L5-S1 वॉज डिफ्यूज्ड। ये सब प्रॉब्लम मेरे को मालूम नहीं था, वो सब स्वामी जी ने जब मसाज करवाया तब उन लोगों ने बताया, डॉक्टर्स ने और स्वामी जी ने। But years together for almost 20 years I was suffering with that back pain. 20 साल होगा। Even my kids know that stress जब हो जाता था तो मेरे को back pain होता था, वो अब यहाँ और sciatica का pain भी यह शुरू हो गया था 2-3 हफ्ते पहले। मेरे को उस सब का नाम नहीं मालूम था, सिर्फ ये पता था मेरे back में दर्द हो रहा है। और योगा regular करती थी तो वो मेरा flexibility जो है वो restrict हो रहा था, I was not able to bend in forward and backward. तो वो restrict हो रहा था, तो I thought मेरी sister है विद्या बोल के, वो यहाँ पे आई थी उसका आई का treatment के लिए, तो मैंने कहा उसका attender के साथ मैं भी patient, तो साथ में हमारा treatment हो गया, तो दोनों का एक साथ हो रहा है। तो विरेचना दिया, body massage, अब एक हफ्ते बाद मैं सारा कुछ जो पहले करती थी वो कर पा रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, और बॉडी फुल मतलब डिटॉक्स होके रिफ्रेश्ड फील करती हूँ, अच्छा लगा यहाँ आके। तो 20 साल से आपको जो बैक पेन चल रहा था तो आपने इसका इलाज भी करवाया? मैं गई थी एक बारी होम्योपैथी में भी टैबलेट्स लिया, मेडिसिन लिया, एक बारी ऑयल मसाज भी सम 5-7 ईयर्स बैक कभी लिया, मगर उसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिला मेरे को। बट यहाँ आके पता नहीं क्या, मतलब स्वामी जी की कृपा, भगवान की कृपा, कुछ भी बोलो, मगर एक हफ्ते में आई एम ऑलमोस्ट 99% नॉर्मल। तो यहाँ पर जो भी चिकित्सा होती है विदाउट मेडिसिन, जैसे मर्म चिकित्सा विदाउट मेडिसिन सब कुछ ठीक कर देते हैं, तो जैसे आपने सुना कि यार विदाउट मेडिसिन, तो आपको कैसे फील हुआ? वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा ही मतलब कुछ भी सिर दर्द हो, कुछ भी हो, आई डोंट टेक मेडिसिन, आई एम ऑलवेज मतलब अवर्शन होता है मेरे को मेडिसिन लेने में। मैं वो बाई फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैड दैट प्रैक्टिस दैट मेडिसिन नहीं, अपने आप ठीक होगा, अपने आप ठीक होगा एंड बॉडी विल टेक केयर, ऐसा थॉट मेरे पास शुरू से ही था। तो ऐसे ही इसलिए मेरे को ये ज़्यादा और अट्रैक्टिव लगा कि मेडिसिन नहीं लेना होगा तो अच्छा है, मेरे को और मजा आएगा करके, वो सोच के मैं इधर आ गई। तो अभी आप फॉरवर्ड बेंडिंग इजीली कर सकते हो? हाँ कर सकती हूँ। हाँ।
हाँ, भी जो फ्रोजन शोल्डर था जो लेफ्ट सब, हाँ, सब वो नमनेस एंड हाँ, एक प्रिकिंग सेंसेशन होता था जब मैं सोती थी रात को, जैसे शॉक ट्रीटमेंट जैसे, वो सेंसेशन सब खत्म हो गया अभी। ये सब मेरे को पता ही नहीं चला जब मेरे पास अंदर में था करके, बट वो सब जब धीरे धीरे करके नॉट्स खोल के जब ब्लड सर्कुलेशन शुरू होने लगा, वेरिकोज वेन्स विच वॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ, वो वेरिकोज वेन्स का भी सब ट्रीटमेंट हुआ है, तो अब सब मतलब ऑलमोस्ट सब बिल्कुल फ्रेश हूँ मैं एक हफ्ते के बाद न्यू बॉर्न बेबी। तो कितने दिनों का ट्रीटमेंट लिया आपने? अभी 7 डेज हो गया हमारा, 7 डेज हो गया और 1 या 2 दिन का बोला है मेरे लिए, तो मतलब लास्ट संडे स्टार्ट हुआ तो आज सैटरडे 6 डेज हो गया, तो 1 or 2 डेज मोर उसके बाद मैं घर जा सकती हूँ। तो कई सारे लेडीज़ हैं जिन्हें सीवियर बैक पेन है और उन्हें आने के लिए टाइम भी नहीं हो पाता है, तो ऐसे मरीज को आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं कहूँगी यहाँ आके रहो, यहाँ आके रह के चिकित्सा करके जाओ, क्योंकि अंदर से कितना भी मेडिसिन खाओ कुछ करो, डिटॉक्स करके अपना बॉडी जब जब तक अपना वो कहना नहीं मानता तब तक कोई फ्रेश नहीं फील कर पाएंगे, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, नोबडी एल्स कैन। जब तक अपने बॉडी का तुम टेक केयर नहीं करोगे कोई और नहीं कर पाएगा। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, वो ही मैं बोलूँगी। लेडीज जो भी हैं सबका काम रहता है, सबके घर में रहता है, किचन है, लेडीज हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, आई नो, आई ऑल्सो वॉज लाइक दैट, बट जब इफ यू फाइंड टाइम whenever you find time, take a break from other things and come here and take your medication treatment and be free, be fresh, be happy and go. यहाँ के ट्रीटमेंट और स्टाफ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्टाफ के बारे में hats off to the team, स्वामी जी को मैं रोज बोलती हूँ hats off to the team, कि मतलब सिर्फ स्वामी जी को हम जानते थे यहाँ पे, मगर यहाँ आके सब हमारे मतलब सिस्टर्स हो बच्चे हो, क्योंकि हमसे सारे ही बच्चे छोटे हैं, तो मैं तो अपनी लड़कियाँ लड़कों के इसमें ही देखती हूँ कि मेरे से सारे बच्चे छोटे हैं, तो मैं मतलब मेरे बच्चों के एज के हैं, तो सारे ही बच्चे डॉक्टर्स हो थेरेपिस्ट हो सब लोग मतलब वेरी गुड टीम। मैं 100% अपने लव एंड उसके साथ बोलूँगी कि वेरी थैंक यू, ग्रैटिट्यूड मतलब एक वर्ड नहीं है जो मैं इनको बोल सकती हूँ। दुनिया में पैसा मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, मगर जो एक दूसरे को देख के उनको भी पेमेंट मिलता होगा वो अलग बात है, मगर वो प्यार से जो मतलब वो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट जो देते हैं उनके लिए पेशेंट हो सकते हैं हम, मगर हमारे लिए मेरे लिए तो वो सारे बच्चे हैं। इतना प्यार से उन लोगों ने हमें ट्रीटमेंट किया, आते ही मतलब मैडम ये किया वो खाना, एक नहीं सारे लोग जो भी हमसे मिलता है वो बोलता है आज खाना खा लिया, आज वो हो गया, आज का ट्रीटमेंट हो गया, ये देख के बहुत खुशी मिलती है, फैमिली बॉन्डिंग। हाँ, फैमिली बॉन्डिंग। यहाँ से जाएंगे भी तो हम इन लोगों को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा इन लोगों ने ट्रीटमेंट भी दिया एंड बात भी की, वो जो बॉन्डिंग क्रिएट करा है वो डेफिनेटली आई विल 100% ग्रैटिट्यूड मैं दूंगी बच्चों को, और ज़्यादा मतलब ये हॉस्पिटल और बड़ा हो वो देख के मजा आएगा हमको। तो अभी यहाँ के ट्रीटमेंट से बहुत खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं, 100% खुश। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मधु और हेमा मैम। हेमा जी यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए थे, इन्हें सीवियर बैक पेन प्रॉब्लम था, हेमा जी को डॉक्टर मधु ने ठीक किया है, तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर मधु, वेलकम टू द शो। डॉक्टर मधु, आप हेमा जी को ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो बैक पेन के लिए आपने ट्रीटमेंट दिया। लास्ट टाइम हम जब उनसे मिले थे तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पा रहे थे, तो आज देख रहे हैं वो तो बहुत अच्छा चल फिर रहे हैं, बेंड कर पा रहे हैं, तो आपने कैसे ट्रीटमेंट दिया उन्हें? जब हमारे पास पहली बार मैम आए थे तो उनको ऑलमोस्ट 10-15 साल से ही बैक पेन था, और वो चलने के लिए भी उस वक्त उनको प्रॉब्लम हो रहा था, बैठने के लिए, बैठ के उठने के लिए, आगे फॉरवर्ड बेंडिंग करने के लिए, तो हर जगह उनको प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रॉपर एग्जामिनेशन करके उनका स्पाइन एक बार ढंग से चेक करके उसके बाद फिर हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट में मसाज से स्टार्ट किया, उसके बाद साथ में स्टीम दिया गया था। साथ में उनका मेन रीज़न था कि बैक पेन के साथ साथ उनको ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम था, तो वेट रिडक्शन के साथ साथ हम लोगों ने उनका बैक पेन का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था।
तो वो तो बता रहा है कि 20 ईयर से भी उन्हें बैक पेन था, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा था कि बैक पेन की वजह क्या है और क्या क्या उसके अलावा क्या क्या दर्द है। तो यहाँ पर आके उन्हें पता चला तो एग्जैक्टली उनके क्या क्या प्रॉब्लम था उन्हें। जब वो एक्चुअली हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो जब पेशेंट्स आते वक्त उनको पता नहीं रहता है कि क्या रीज़न है, तो उस रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए वो बार बार कभी भी MRI करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियन सर्जन्स को दिखाते हैं। फिर वहाँ पर उनको दिखाने के बाद अगर कुछ डिस्क बल्ज निकलता है तो उनके लिए सर्जरी सजेस्ट किया जाता है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता है। यहाँ पे जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम लोग उनको पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करते वक्त स्पाइन को एक बार अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं है, कहीं डिस्क बल्ज है कि नहीं है, वो सब चेक किया जाता है। तो मैम का भी सेम था, जब मैम हमारे पास पहले आए थे हम लोगों ने उनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, तो उस वक्त एग्जामिनेशन करते वक्त ही हमें पता चला कि उनको L4-L5 के साथ साथ थोरैसिक में भी प्रॉब्लम है। जो थोरैसिक स्पाइन होती है वो स्पाइन थोड़ा सा वहाँ पर डिस्क बल्ज हो गया था, तो उसकी वजह से उनको बैक एक हो रहा था। तो होता क्या है, जो हम लोग के पास पेशेंट आके बस लो बैक का कंप्लेंट करते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर का कंसंट्रेशन सिर्फ लो बैक पे रहता है, ऊपर क्या हो रहा है नीचे क्या हो रहा है हम लोग उतना नहीं देखते हैं। तो जब यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैम बता रहे थे उन्हें फ्रोजन शोल्डर भी था और नमनेस भी था, अब तो वो पूरा कम हो चुका है, तो उसे किस तरह से आपने ठीक किया? या तो उसके लिए भी एग्जामिनेशन करके उसके बाद जब मरवा मसाज करते हैं तो मरवा मसाज पूरे उनका स्पाइन पे किया गया था। तो स्पाइन में जब फ्रोजन शोल्डर होता है और जो नेक का स्टिफनेस होता है वो मेनली रिलेट होता है सर्वाइकल स्पाइन से। तो मैम का सर्वाइकल में भी इशू था, शोल्डर में भी प्रॉब्लम था, थोरैसिक लंबर सारे रीजन में प्रॉब्लम था, तो इसलिए एक ओवरऑल ट्रीटमेंट के जैसे हम लोगों ने उनका पूरा ट्रीटमेंट किया गया था। तो मैम बता रहे थे कि सायटिका भी प्रॉब्लम था, तो ये किस वजह से हो सकता है? क्या बैक पेन वालों को सायटिका प्रॉब्लम होना जरूरी है? क्या वो रहता ही है? सायटिका एक्चुअली पहले हमें समझना चाहिए कि सायटिका होता क्या है। तो सायटिका एक नर्व है जो हमारे लो बैक से स्टार्ट होकर हमारे पैरों तक आती है। तो वो नर्व हमारे जो स्पाइन से स्टार्ट होती है वो होता किस लिए है, जब भी हमारा कंप्रेशन होता है उस नर्व रूट के ऊपर तो उसकी वजह से सायटिका नर्व के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, और जो नर्व होता है वो हमारे लो बैक से स्टार्ट होकर पूरा पैर तक नीचे आ रहा है। तो जहाँ तक भी वो नर्व जा रहा है बिकॉज कंप्रेशन उसके रूट पे है तो नर्व का पूरा डैमेज हो जाता है, तो इसलिए उस चीज़ को सायटिका प्रॉब्लम बोलते हैं क्योंकि वो सायटिका नर्व से रिलेटेड है। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो सायटिका नर्व का जो पूरा रूट कोर्स होता है तो वो पूरा कोर्स के ऊपर हम लोग का मसाज किया जाता है, उसी चीज़ को मरवा मसाज कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी तो मरवा चिकित्सा के बाद में उन्हें तो बैक पेन काफ़ी कम हो चुका है, तो अभी आप वो फॉरवर्ड बेंडिंग कर पाएंगे? कर सकते हैं, अपना जो भी काम है उनका, काम करने घर पे काम करने से रहे कि ऑफिस में काम करने तक, ट्रैवलिंग करने तक, अपना छोटा मोटा काम अपना ही आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, तो अभी तो मरम्मत चिकित्सा उन्होंने एक बार करवाया, तो दोबारा अगर करवाना हो क्या बैक पेन होगा जब भी आके करवाना है, या ऐसा कुछ 3 महीने के बाद में आके करवाना कंपलसरी है? एक्चुअली हमारी बॉडी को हम अपनी व्हीकल के जैसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे व्हीकल की सर्विसिंग हम लोग सिर्फ खराब होने के बाद ही सर्विसिंग नहीं करवाते हैं, तो वैसा ही अपनी बॉडी का भी सिर्फ सर्विस पर्पज के लिए हम लोग अगर 3 महीने में 6 महीने में एक बार आके ट्रीटमेंट लेते हैं तो बॉडी सर्विसिंग जैसा हो जाता है, तो कोई और डिजीज वापस ना आए उसके लिए भी हम लोग ट्रीटमेंट। तो कितने महीने में एक बार करवाना चाहिए, 3 या 6 महीने 3 मंथ 6 मंथ्स डिपेंडिंग के पेशेंट का क्या लाइफस्टाइल है। जब स्ट्रेस फैक्टर अपनी बॉडी में ज्यादा होता है तो 3 महीने में ही आके वापस अपना ट्रीटमेंट करवाना रिकमेंड करते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर माधुरी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से बैक पेन पेशेंट भी यहाँ पर आके ठीक हो जाते हैं, वो आराम से फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी करना है वो सब कुछ काम इजीली कर सकते हैं। तो आपको भी इसी तरह के कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आप यहाँ पर आइए, श्री परिपूर्ण सनातना आयुर्वेदा अस्पताल में आइए, मर्म चिकित्सा, पंचकर्मा और भी कई तरह यहाँ पर ट्रीटमेंट है उसे करवा लीजिए। अगर आपको यहाँ पर मर्म चिकित्सा, पंचकर्मा कुछ भी करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए और यहाँ पर आके इलाज करवा लीजिए। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए श्री परिपूर्ण सनातना चैरिटेबल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।